हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। देखिए, अभी जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, ओ का प्रोनाउंसिएशन, हमने ए प्रोनाउंसिएशन सीखा, ई सीखा, आई सीखा, और आज हम लोग सीख रहे ओ सीख रहे। अब ओ के बाद लास्ट रहेगा यू सीखना, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम लोग ओ के बारे में जानेंगे, कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं ओ को हम प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जब ओ को हम प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको 11 रूल याद होंगे। अगर 11 रूल याद नहीं होंगे, जरूर आप जाके 11 रूल के वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है? पूरा एक सीरीज से देखिए ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। अभी देख लेते हैं, हम देखेंगे कि स्वर ओ के अलग अलग उच्चारण, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसको ओ अ और अ, ये सारे प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ठीक है? अब इसके रूल हम लोग देते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओ का, जो ओ को हम ओ वाले शब्द, यानी कि ओ को हम ओ कब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे और देखेंगे ओ को हम ओ कब पढ़ सकते हैं, यानी कि ओ की लंबी स्वर ध्वनि को समझने के लिए निम्नलिखित नियमों का संदर्भ ले। यानी कि यहाँ पे देखिए रूल जो 6 है, ठीक है, 11 टोटल रूल है, 11 टोटल रूल याद कीजिए और 11 टोटल रूल के हिसाब से ये सारे इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन है आप इजिली सीख सकते हो। तो रूल 6 जो बोलता है, जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक वावेल हो और शब्द के अंत में वावेल ई हो, तब अंतिम वावेल ई साइलेंट रहता है और जो जो वावेल ई से पहले आता है उसका उच्चारण लॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ई से पहले ने वाला स्वर यदि ओ है तो ओ को ओ पढ़ेंगे। तो इसकी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं और साथ साथ ये भी देखेंगे, एक तो ये हो गया ओ पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 भी बोलता है, जब किसी शब्द में एक वावेल हो और वह शब्द के अंत में है आए आए तो उसका उच्चारण लॉन्ग होता है, ठीक है? यहाँ पे दो नियम काम करेंगे। और तीसरा जो नियम है, जो रूल नंबर 1 है, वो क्या बोलता है, यदि शब्द में केवल एक वावेल है और यह शब्द के शुरू में हो या मध्य में रखा रखा गया है उसका उच्चारण शॉर्ट होता है। यह नियम का अपवाद यह है कि यदि व्यंजन आई डी स्वर ओ के बाद आते हैं तो ओ का उच्चारण लॉन्ग होता है, अगर आई डी ओ के बाद आते तो उसका उच्चारण लॉन्ग होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि बोल्ड, BOLD बोल्ड, उसी प्रकार COLD कोल्ड, ओ आई डी के पहले ओ आए तो ओ का उच्चारण आएगा। डोज, देखिए लास्ट में ये रूल नंबर 6 बोलता है ई है और ई से पहले ओ आया तो ओ को ओ बोलते हैं, डोज। उसी तरह से आई डी है, आई डी के पहले ओ है तो उसका भी उच्चारण ओ होगा, गोल्ड। अभी देखिए लास्ट में ये पांचवा रूल है, पांचवा रूल बोलता है एक वावेल होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में है तो इसको नो, एन ओ नो। उसी प्रकार से ये रूल नंबर 6 बोलता है, रूल नंबर 6 में देखिए लास्ट में ई है और ई से पहले ओ है तो ओ को ओ पढ़ेंगे, जोक, रोप, सोल, स्लोप। अब ये पांचवा रूल है, रूल पांचवे में ये बोलता है एक वावेल होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए, तो इस मीनिंग में आप देखो एक ही वावेल और लास्ट में है तो इसका उच्चारण जो होगा लॉन्ग होगा, जैसे गो, और उसी तरह से सेम नीचे है सो। उसी प्रकार आप आगे भी देखोगे स्वर ओ का अ, यानी कि कौन सा ऐसा कंडीशन होता है ओ को आप ओ ना पढ़ के अ पढ़ेंगे, तो उसके भी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। आमतौर पर किसी भी शब्द में यदि वावेल ओ के बाद व्यंजन एम या एन हो तो वावेल ओ का उच्चारण अ होता है। यानी कि ये क्या बोलता है, कोई भी शब्द है, शब्द में ओ के बाद अगर व्यंजन एम और एन आए तो ओ को ओ ना पढ़ के अ पढ़ने का, जैसे कि अ, जैसे कि SON। अभी ओ पढ़े सोन, सोन पढ़ोगे तो यहाँ पे गलत होगा। अभी यहाँ पे रूल के हिसाब से अगर पढ़ोगे ओ के बाद एम हो या एन हो तो उसको ओ को अ पढ़ने का, जैसे कि SON, इसको बोलेंगे सॉन। उसी तरह से COME, कॉम, ओन, डॉन, सम, नॉन, अ का साउंड आ रहा है, तो ये कंडीशन के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो ओ का प्रोनाउंसिएशन आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं जब स्वर ओ का आ वाला उच्चारण आता है। रूल नंबर 1 होता है, जब किसी शब्द में एक वावेल हो और वो वावेल शब्द के बीच में हो, तब वावेल
ओ का उच्चारण साधारणतः उच्चारण आ होता है, जैसे कि नीचे मीनिंग दिया है, बी ओ एक्स, बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, गॉड, डॉग, मॉप, कॉक, कॉक, सॉक, पॉट, क्रॉप, फ्लॉप, स्टॉप, इस तरह से आप ओ को ओ पढ़ सकते हो। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी कंडीशन आता है जब स्वर ओ के ओ में आउ जैसा साउंड आता है, तो ऐसा कौन सा होता है वो देख लेते हैं। जब किसी शब्द में अक्षर ओ डब्ल्यू एक साथ आए तो इसका उच्चारण ओ भी होता है और आउ भी होता है, यानी कि कभी भी ओ डब्ल्यू एक साथ देखोगे तो आप उसको ये आपको गेस करना होगा कब ओ पढ़ना है कब आउ पढ़ना है। जैसे कि क्रो, लो, सो, काउ, हाउ, नाउ, वो, इस तरह से ये सारे मीनिंग आपको दिए गए हैं। तो इस तरह के मीनिंग के अभ्यास से आपको समझना है और आप समझ सकते हो कि कब ओ आएगा कब आउ जैसा साउंड आएगा। अच्छा, कई बार शब्द कई शब्द जो है ओ ए और ओ ई के साथ समाप्त होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि ओ ए और ओ ई के साथ समाप्त होते हैं और उनका उच्चारण मामूली अंतर से अलग हो सकता है। इन शब्दों में ओ के साथ अक्षर ए और ई का संकेत होता है, जैसे कि ओ ए या ओ ई के साथ, जैसे कि ओ के साथ समाप्त होते हैं, बोट, सोप, बोस्ट, थ्रोट, गोल, ओ जैसा साउंड आ रहा है क्योंकि ओ ए के साथ समाप्त हो रहा है या ओ ई के साथ समाप्त होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। जरूर इसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू।